सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहित्य जैन है। साहित्य जी, आप कहाँ से हैं? मैं रहली से हूँ। रहली से। आपका क्या नाम है? राम बाबू यादव जी। राम बाबू जी, आप कहाँ से हैं? राहतगढ़ से। आप सर? राम दोबे, दमोह से। दमोह से। सर, आप लोगों के मार्क्स कितने? आपके कितने मार्क्स आए? 60 मार्क्स थे मेरे। 60 मार्क्स आए। आपके राम बाबू? 75। आपकी? मेरे 71। 71। आइए, आपका क्या नाम सर? रूपेश कोस्टी। हाँ, रूपेश कोस्टी। आपके कितने मार्क्स? 77। 77। सर, आज के एग्जाम कैसा रहा? टफ था, इजी था, मॉडरेट था? इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था। थोड़ा सा टफ कह सकते हैं। अच्छा, हल्का सा टफ कह सकते हैं मेरे हिसाब से। साइंस थोड़ी अच्छी आई। साइंस अच्छी आई। साइंस अच्छी आई। हिंदी, हिंदी नॉर्मल थी। अच्छा, हिंदी नॉर्मल। हिंदी बहुत इजी बोल सकते हैं हिंदी को तो। अच्छा, हाँ। अच्छा, जीएस से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं? जीएस से कौन कौन से? मटकी नृत्य कैसे कहते? अच्छा, मटकी नृत्य कैसे कहते? एक क्वेश्चन नृत्य से था, एक पुरस्कार से था। करंट अफेयर्स में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया है कि 2020 में मध्य प्रदेश की महिला टीम कौन से खेल में जीती है या कहाँ का उद्घाटन किया है, ऐसे क्वेश्चन थे मिलते जुलते। और एक लेखक कहाँ के हैं? हाँ, इस तरह से। पांगड़ी नृत्य किसे कहते हैं? पांगड़ी नृत्य किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश का उद्योग नाल है। अच्छा, उद्योग। तीनों नृत्य किस स्टेट से है, ऐसा क्वेश्चन था। एक घूमर नृत्य आया था राजस्थान का। घूमर नृत्य कहाँ से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन था। और फलाने कवि किस मध्य प्रदेश के किस जिले से, फलाने संगीतकार हैं, फलाने कवि हैं, यह पुरस्कार का सम्मान किस जिले से है, ऐसे क्वेश्चन। और यह पुरस्कार किसको दिए, जैसे द्रोणाचार्य पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार आया था, किसे दिया जाता है, ये क्वेश्चन था। और इसके अलावा? उसके अलावा मैथ में भी एडवांस मैथ ज्यादा पूछी है। करंट पूछा था मैथ के। मैथ के सिलेबस में अगर अच्छा, मैथ में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं? एडवांस ज्यादा आ रही है। एक तो क्षेत्रफल के थे, परसेंटेज के भी थे, आयत के समूह के थे, एज वाले, आयु वाले, माता पिता की आयु, पुत्र की आयु वाले, आयु से भी। अच्छा, एलसीएम एचसीएफ से? नहीं नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं। एवरेज से? एक दो क्वेश्चन थे एवरेज से। हाँ, एक आध क्वेश्चन था। कल का आया था एक। कौन सा? कल का करंट अफेयर आया था। अच्छा, कल का करंट अफेयर। हाँ, क्या आया था? आई थिंक क्वेश्चन था एक, कोई रजत पदक जीता था कल एक लड़की ने, जो भी है वो। अच्छा, कोई गंदा पुरस्कार किसे मिला? गंदा पुरस्कार। अच्छा, गंदा पुरस्कार किसे दिया? गंदा पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है। अच्छा, पुरस्कार से आज लगभग 2-3 क्वेश्चन आए। हाँ, पुरस्कारों से करंट अफेयर्स ज्यादा आ रहा है। करंट अफेयर्स ज्यादा आ रहा है। अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो कितने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ रहे होंगे हमारे? 8-10 क्वेश्चन 2020 के आए होंगे। 4 क्वेश्चन आज के एग्जाम में, जो 2020 में मोदी जी ने एक उद्घाटन किया था वो आया है। 2020 में स्वच्छता अभियान कब चलाया गया था? 2020 में किस प्रदेश ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस प्रदेश ने चलाया था? क्वेश्चन आया था। अच्छा, गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस प्रदेश ने चलाया था? ठीक है। और इसके बाद नरेंद्र मोदी वाला, नरेंद्र मोदी ने अप्रैल में कौन सी एक योजना परियोजना शुरू की थी? रीवा अल्ट्रा करके थे, वो आया था। और हिंदी में समास भी, संधि भी, अनुप्रा मतलब अलंकार भी था, प्रत्यय, उपसर्ग, पर्यायवाची, लगभग सारे सरस्वती का पर्यायवाची। अच्छा, सरस्वती के पर्यायवाची से याद आया भाई, हमारी कोचिंग का नाम है प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस, जो कि सरस्वती जी का ही नाम है। और इसके अलावा अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में प्रीपोजिशन, दो क्वेश्चन, आर्टिकल, इन द आई एंड द प्रयोग, डिड वा, बॉडी, विल हैव, एंग्री, सब। ठीक है। और अगर साइंस की बात करें तो साइंस में न्यूमेरिकल से कितने क्वेश्चन आ रहे होंगे? साइंस में आए होंगे 2 क्वेश्चन, पाचन तंत्र, 2-3 क्वेश्चन आए होंगे, ऊर्जा स्तंभ। पाचन तंत्र से कौन सा क्वेश्चन आया था? पाचन तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिक तंत्र जो अपने शरीर में स्वयं अपना भोजन बना लेता है, ऐसा क्वेश्चन था कि वो पाचन से बनाता है कि अवशोषण से बनाता है, किस क्रिया के द्वारा बनाता है, मतलब किस क्रिया के द्वारा जीव अपने शरीर में भोजन बना लेता है, ऐसा क्वेश्चन था। और प्रकाशन से और पारिस्थितिक तंत्र ऊतक से आया था कि कौन सी कोशिकाएं मिलके आकार दे देती है, कुछ ऐसा था शायद। वो ऑप्शन में उसका ऊतक था,
क्रोमोसोम पाए जाते हैं, क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं, मिलकर बना होता है प्रोटीन से या डीएनए आरएनए से। क्वेश्चन था आरएनए, सही है तुम अनुभव में आरएनए तो कंफर्म है। बोलो फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स से कौन तोरण आओ तो तोरण ये कई क्वेश्चन आओ तोरण का न्यूमेरिकल पूछा था कि न्यूटन का नियम, न्यूटन का नियम, न्यूटन का नियम क्या प्रतिपादित करता, मतलब न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? एक बल ऐसा था वो। हाँ तुरंत सही होगा आंसर। साइंस में किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए थे? मतलब जैसे हम बात करें केमिस्ट्री से, बायो से या फिजिक्स से? केमिस्ट्री से, बायो से, सारा का कॉम्बिनेशन आया है लगभग। अच्छा थोड़ी थोड़ी आए तो साइंस का और कोई क्वेश्चन मुझे क्या था साइंस का? केमिस्ट्री से अगर हम बात करें, केमिस्ट्री से हाँ तो जी वालों तो मीथेन वालों ईंधन के जलने के बाद कौन कौन सी गैसें लास्ट में उत्सर्जित होती है? ईंधन के पूरे जलने के बाद लास्ट में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? क्वेश्चन था एक प्रतिरोध से आया था टीका, मतलब बीसीजी का टीका ऑप्शन में था, पोलियो की दो बूंद के लिए दो टीका लगाया जाता डीपीटी, डीपीटी टीका। और साइंस में और इंजेक्शन होता है उसका नाम पूछा था कुछ, इंजेक्शन कौन सा था? कोई टीका था, वही टीका ना डीपीडी पोलियो वाला टीका। और अगर एक क्वेश्चन था कि एंटीबायोटिक कौन से रोग को खत्म करती है, ऐसा जीवाणु वाले रोगों को खत्म करती है एंटीबायोटिक दवाई याद ना मेडिसिन किसमें काम आती है, मतलब जीवाणु बैक्टीरिया में काम है वायरस में। ठीक है उसके ऑप्शन ऐसे थे कि कुत्ते के काटने से जो रोग होता है उसमें रेबीज, कुत्ते काटने से रेबीज उसमें काम आता है। हमें तो पूरी साइंस रटी थी साइंस, हमें बीच में 19 मिले ये कटु मात्रा, बहुत बढ़िया बहुत ये कटु मात्रा हुआ। अच्छा सर और क्वेश्चन साइंस के बारे में आपको याद आ रहे हैं? साइंस आपका भी एग्जाम जी, क्या नाम है सर आपका? अजय सिंह परियार जी। एक मिनट सर, आप कहाँ से? जी भोपाल से। भोपाल से आपके कितने मार्क्स आए? जी 83। 83 बहुत बढ़िया सर। आज के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं जो आपको याद जी, जैसे जीएस की बात करें कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आए? जनरल साइंस में थी एक ठीक है सर आप रिकॉल करिए। हाँ सर अपन आगे आप रुकिए थोड़ा, रिकॉल करिए जीके की बात करें, जीके में कौन कौन से क्वेश्चन थोड़ा सा और याद करिए। मध्य प्रदेश का खाद्य उद्योग न्यायालय कहाँ स्थिर है? अच्छा लघु खाद्य उद्योग कहाँ स्थिर है? वो तो शायद मध्य प्रदेश खाद्य है तू, अरे एक क्वेश्चन था कि 2005 में कौन सी योजना के तहत नदियों को पानी से, मतलब पानी से कितने जिलों को जोड़ा गया है? एडीबी की सहायता से। हाँ एडीबी की सहायता से एक क्वेश्चन था। अच्छा एक आया था रूप सिंह स्टेडियम किस जिले में? अच्छा कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम किस जिले में? दो मिनट सर थोड़ा आप लोग जाइएगा। हेलो ठीक एक मिनट रुकिए सर। आप सभी को हम बता दें हमने दो मॉक टेस्ट डेवलप किए हैं जो कि एग्ज़ाम पैटर्न पर अभी जो पैटर्न चल रहा है उस पर आधारित हमने मॉक टेस्ट बनाए हैं। अगर आपका एग्ज़ाम कल है या आने वाले दिनों में तो आप वो मॉक टेस्ट देकर जरूर जाएं, क्योंकि जैसा भी सभी लोगों ने रिव्यू दिया है तो उसी पैटर्न पर आधारित हमने मॉक टेस्ट बनाया है, उसी पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको 60-70% क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे। आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस सर्च करिएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप ऐप को डाउनलोड करें और मॉक टेस्ट दें। और साथ ही टॉपिक वाइज भी हमने टेस्ट डाले और रेगुलर हम इसमें टेस्ट डाल रहे हैं, तो आप एक बार ज़रूर दें और एग्ज़ाम जाने से पहले आपकी तैयारी चेक कर लें। ठीक है तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं, हम जीएसपी हम बात कर रहे थे तो इस बार लगता है करंट का बहुत सारा बैठी जाए, लगभग कितने क्वेश्चन होंगे करंट के? करंट से 7-8 क्वेश्चन, 7-10 4-5 क्वेश्चन तो 2020 के ही थे उसमें, प्रेजेंट के थे। हाँ अच्छा और एक जैसा कि बताया कि कल परसों के आसपास का भी करंट पूछा क्वेश्चन यार नहीं नवंबर का था शायद ऐसा था कि भारतीय महिला टीम
किस महाराष्ट्र में कौन से खेल में रजत पदक जीते? महाराष्ट्र में नहीं था, छत्तीसगढ़ में कौन से गेम में रजत पदक जीती है? अच्छा, भारतीय महिला हॉकी टीम ने छत्तीसगढ़ में किस गेम्स में? हॉकी नहीं था। नहीं, भारतीय महिला टीम, मध्य प्रदेश की महिला टीम ने छत्तीसगढ़ में आयोजित प्रतियोगिताओं में किस खेल में सिल्वर जीता? अच्छा, किस खेल में सिल्वर? खेल में सिल्वर जीता। सिल्वर जीता, अच्छा, यही क्वेश्चन था। ठीक है। और एकता की एक संगीतकार किस प्रदेश से, जिले से संबंधित है? खंडवा से। किशोर कुमार जी संबंधित है, इस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। अच्छा, प्रमुख हस्तियों से भी क्वेश्चन आए थे हमारे। आए थे। अभ्यारण वगैरह से कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं, एक भी क्वेश्चन। नदी से? नहीं, ना हाईवे से। जलप्रपात से? नहीं, हाईवे से भी नहीं। हाईवे भी नहीं था कोई। चलो ठीक है। अब अगर हम मैथ्स की बात करें, जब अपने एक बार डिस्कस कर चुके, शुरू से करते हैं। सबसे पहले क्षेत्र मिति की बात करें तो क्षेत्र में एक क्वेश्चन आया था, पॉइंट वाले बिंदु आ तो। अच्छा रेखा वाले तीन क्वेश्चन थे। अच्छा, रेखा माता पिता जैसे हमने अभी ग्राफ वाले क्वेश्चन बताए और रेखा वाले बताए, हम सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे इसमें साइंस की न्यूमेरिकल के क्वेश्चन और साथ में मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ग्राफ वाले हैं या रेखाएं वाले हैं, निर्देशांक ज्यामिति है होती है, उसके ऊपर वीडियो बनाए हमने, तकरीबन 2 से 3 वीडियो उसके ऊपर, और न्यूमेरिकल के ऊपर भी काफ़ी वीडियो बनाए। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आप प्लेलिस्ट चेक करिए, MP जेल पैरी रिव्यू, वहीं पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो वो जाकर आप देख सकते हैं। हाँ सर, और साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज से कोई क्वेश्चन है? मैं अभी तक तो नहीं पूछा है। नहीं, आज भी नहीं। अच्छा, भिन्न से कोई क्वेश्चन? एक दो क्वेश्चन थे, एक आध क्वेश्चन था, दशमलव से भी क्वेश्चन थे, एक दो, एक आध क्वेश्चन दशमलव का भी था। मैथ्स किस टाइप से आई थी? टफ आई थी, इजी आई थी? तो थोड़ी टफ थी। हाँ, थोड़ी सी टफ, मॉडर्न बाकी थी, मैथ भी एडवांस मैथ आई थी। प्रायिकता से कोई क्वेश्चन आया था? प्रायिकता से आया था कि एक थैली में इतनी हरी इतनी नीली इतनी काली बॉल है, एक साथ दो लाल निकालने की प्रायिकता, इस टाइप से क्वेश्चन आया था। ठीक है। और अपना प्रॉफिट एंड लॉस से? नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस से नहीं आया, परसेंटेज से एक आया, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, एवरेज से आया, आयत से एक था, आयत शंकु वृत्त त्रिज्या वाले एक दो क्वेश्चन थे। ठीक है, अब और कोई क्वेश्चन जो कंपनी वाले या सीमेंट वाले का? हां, कैसे शंकु कैसा है वो सीमेंट वाले स्तंभ वाले आओ तो ना, वही ग्राफ बताया ना बनने, और ग्राफ वाले, ग्राफ वाला एक क्वेश्चन था। किस टाइप का क्वेश्चन था वो? तो इतने साल में कितने बच्चे, मतलब कि एक साइड वो बच्चे लिखे रहते हैं, इससे नीचे साल लिखा होता है, तो 2000 डायरेक्ट टाइप का बना होगा, डायरेक्ट टाइप से है, वही ग्राफ वाला क्वेश्चन। वैसे ज्यादातर जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं जो अपने MP बोर्ड की जो बुक है ना, पुरानी बुक है ना, 2 साल पुरानी, उससे ही क्वेश्चन लिए जा रहे हैं ज़्यादातर। कई क्वेश्चन तो सीधे सीधे कुछ NCERT बुक से 10th क्लास की, कुछ जो ओल्ड बुक रही है ना MP बोर्ड की, 2 साल पुरानी, अभी 2 साल पहले चेंज हो गया, तो उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। बच्चों की डिमांड आ रही है सभी लोगों की कि इंग्लिश के क्वेश्चन बताएं, इंग्लिश के साथ थोड़ा सा रिकॉल करिए कौन कौन से टॉपिक आए थे। इंग्लिश से प्रीपोजिशन से 2 क्वेश्चन, हाँ, 2-3 आर्टिकल से थे। ठीक है, और वो टेंस से थे 2-3। पैसेज एक भी नहीं आया, पैसेज नहीं आया, सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस नहीं आया, अरेंजमेंट भी नहीं आया, स्पेलिंग चेक से, स्पेलिंग चेक आया था, करेक्ट स्पेलिंग आया था, एंटोनिम्स सिनोनिम्स आए हैं, आए हैं, एक आए हैं। अच्छा, और मॉडल्स वगैरह से? नहीं, मॉडल्स नहीं आया था, ये कैनकॉर्ड वगैरह एक आया था मॉडल से। हम नहीं, तो फिर ज्यादा आए थे कैनकॉर्ड वाले, ज्यादा आए थे, मे माइट, ये 2 क्वेश्चन थे शायद, 2 क्वेश्चन। अच्छा, इंग्लिश में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो प्रोपोजिशन या आर्टिकल वगैरह की बात करें, तो ये कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं कि सिंगल सिंगल आ रहे हैं? कॉम्बिनेशन में आ रहे हैं, कॉम्बिनेशन, 2-2, 3-3 के कॉम्बिनेशन से आ रहे हैं। तो अच्छा, ओवरऑल इंग्लिश कैसे, ये टफ आ रही है? टफ तो नहीं है मेरे हिसाब से, हल्की सी टफ, मेरे हिसाब से टफ नहीं है, इस तरह से उसके लिए नहीं है टफ, जिसने अगर पढ़ाई की है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, बाकी एवरेज ये है कि आधे नंबर तो इंग्लिश में मिल जाएंगे, मेरे जैसे लड़के को मिल जाएगी, पढ़ी है तो आराम से 10-12 इतना कुपी हुआ जा रहा आर्टिकल, बस वैसे का इंग्लिश ज्यादा नहीं आई, पोजीशन से आ रहे आर्टिकल नहीं आई, आर्टिकल से 3 क्वेश्चन स्पेलिंग चेक आ रही है। अच्छा, हिंदी में कौन कौन से टॉपिक है?
अलंकार की बात करें हम, अलंकार नहीं अलंकार मैंने बताया, अलंकार समास रस संधि विच्छेद लगभग एक एक क्वेश्चन सारे चीज के थे, उसमें प्रत्यय भी उपसर्ग भी आप सब कुछ ऐड कर लो उसमें, तो सरस्वती का पर्यायवाची सरस्वती का पर्यायवाची क्या है पूछा था, वैसे क्वेश्चन आओ तुझे। ठीक है सर, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो आपका कीमती समय दिया, थैंक यू सो मच।